वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का पेपर है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक परंपराएं, जो कि नए सिलेबस में शामिल किया गया बेटा एनईपी 20 के अकॉर्डिंग। इसका पेपर है आपका रिलीजियस ट्रेडिशंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसी का एक बेटा आपका पार्ट है पूर्व मध्य युग में शैव, शाक्त और वैष्णवों के प्रति दृष्टिकोण। तो हमने इसके दो वीडियो पहले देख लिए हैं बेटा। पहला था वैष्णवों के प्रति दृष्टिकोण, दूसरा था शैव मत क्या था। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वैष्णव आंदोलन पूरे भारत में चले और साथ में शाक्त संप्रदाय के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बेटा। तो पहले आप लोगों को मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग पहले वैष्णवों वाला जो वीडियो है इसका पार्ट वन वो देख लीजिए, फिर पार्ट टू शैव मत वाला देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बेटा शुरू कर लेते हैं। पेपर का नाम है भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक परंपराएं, रिलीजियस ट्रेडिशंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 में DOSOL में NC वेब में इसको शामिल किया गया है, रेगुलर में भी है। तो इसको यहाँ से अब मैं शुरू कर रही हूँ। बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन, अलग अलग जगहों पर किस तरीके से वैष्णव भक्ति आंदोलन चले उनके बारे में हम आज की वीडियो में बेटा जानकारी पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन। तो चैतन्य महाप्रभु हुए वहां पर, जो कि 1486 में जन्मे और 1533 में इनकी मृत्यु हुई, यानी कि 1486 में इनका जन्म हुआ और 1533 में इनकी मृत्यु हुई। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के महानतम संत थे। इनके जन्म से पहले ही बंगाल में वैष्णव धर्म शुरू हो चुका था, लेकिन चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे कि गौणीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, का संस्थापक माना जाता है। यानी कि गौणीय वैष्णव धर्म जो है इसकी संस्थापना की थी चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में, जिसे कि आधुनिक वैष्णववाद माना जाता है। इन्होंने संपूर्ण बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाया, यानी कि चैतन्य महाप्रभु जो है इन्होंने उड़ीसा में और बंगाल में वैष्णववाद को फैलाया। फरवरी 1486 में नवद्वीप में, यानी कि नदिया में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम विश्वंभर था, पर बाल्यावस्था में इनका नाम निमाई था। इनके पिता जगन्नाथ मिश्र बड़े धार्मिक और विद्वान व्यक्ति थे। माता इनकी शची भी बहुत ही धर्मपरायण महिला थी। पंडित गंगादास ने विश्वंभर को उच्च शिक्षा प्रदान की, और ये भी कहा जाता है कि असाधारण रूप से प्रतिभावान छात्र थे, बड़े ही टैलेंटेड छात्र थे, प्रतिभावान छात्र थे। और इन्होंने 15 साल की उम्र में ही संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण और तर्कशास्त्र में प्रवीणता हासिल कर ली थी, स्किल डेवलप हो गई थी 15 साल की एज में। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत इन्होंने विद्यासागर की उपाधि प्राप्त की। इनके अध्ययन काल में ही इनके पिता का देहांत हो गया था बेटा, यानी कि जो इनके पिता थे जो कि जगन्नाथ मिश्र थे, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी था, जिनकी सांप काटने से मृत्यु हो गई थी, सांप ने इनको काट लिया था। इनका उसके बाद पुनर्विवाह हुआ, दूसरी शादी हुई, तो दूसरी पत्नी इनके संन्यास ग्रहण और मृत्यु के बाद भी जीवित रही। 22 वर्ष की आयु से पहले ही इन्होंने ईश्वरपुरी नामक एक सत्पुरुष से दीक्षा ले ली थी, जिसने गया में तीर्थ यात्रा के दौरान इनकी भेंट हुई थी। जिससे इन्होंने किस प्रयोजन से संन्यास ग्रहण किया ये कोई बात क्लियर आती नहीं है बेटा निकल के। संन्यास ग्रहण करने के बाद ये चैतन्य कहलाए। सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में इन्होंने बंगाल में और बाद में उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचार किया था बेटा। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति इनके शिष्य रहे बेटा। इनके संरक्षण में चैतन्य स्थायी रूप से पुरी में बस गए और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। संन्यास लेने के बाद ये सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए थे बेटा। इन्होंने परमानंद की अनुभूति अपनी जो है चरमावस्था तक प्राप्त की, और चैतन्य ने ईश्वर के प्रति जितना प्रेम व्यक्त किया उतना संभवतः उनके पहले या बाद में किसी ने भी नहीं किया। चैतन्य ईश्वर को कृष्ण या हरि नाम दिया करते थे और उनके प्रति परम निष्ठा का उपदेश दिया करते थे। वे कर्म कांडवाद के विरोधी थे। प्रेम, भक्ति, संगीत और नृत्य से परिपूर्ण इनकी ईश्वर भक्ति इतनी भाव प्रवण होती थी, इतनी ज्यादा इमोशनल होती थी कि भक्त परमानंद की स्थिति में ईश्वर की अनुभूति कर लिया करते थे। ये वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने राधा और कृष्ण की उपासना की और इन्होंने वृंदावन में राधा कृष्ण को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया। इनका प्रभाव इतना ज्यादा गहन और स्थायी था कि इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार मानने लगे थे। चैतन्य ने यह स्वीकार किया कि अकेले कृष्ण ही पूर्ण ईश्वर हैं। चैतन्य के नव वैष्णववाद के धर्म उपदेशों ने बंगाल और उसके समीपवर्ती क्षेत्र उड़ीसा और असम में बहुत ज्यादा संचेतना और उत्साह जागृत किया। इन्होंने चैतन्य के अनेक अनुयायी थे यहाँ पर, फिर भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इन्होंने उन्हें किसी संप्रदाय या पंथ से संगठित किया हो। इनके अनुयायी और निष्ठावान शिष्य जो थे उन्होंने इनकी मौत के बाद इनकी शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप प्रदान किया और खुद को गौणीय वैष्णव धर्म नामक संप्रदाय में संगठित किया।
तो जितने भी लोग मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, उन्हें गौड़ीय वैष्णव धर्म संप्रदाय का माना जाता है। बेटा, वल्लभाचार्य के समकालीन चैतन्य ने बंगाल में वैष्णव भक्ति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और स्वरूप शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति सहित ब्राह्मण की अनंत शक्तियों पर प्रकाश डाला। चैतन्य के दर्शन में आत्मा, जगत और ईश्वर के बीच संबंध को औचित्य भेदाभेद के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि एक अतुलनीय अंतर और गैर अंतर का संकेत है। मतलब इनमें अंतर भी है और कोई ऐसा कोई खास अंतर भी नहीं। इसके बाद महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन चले उसके बारे में जानेंगे हम। ये बंगाल का पढ़ा हमने, बंगाल और असम में रहे चैतन्य महाप्रभु जिनके अनुयायी अब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। इसके बाद हम जब महाराष्ट्र की बात करेंगे, यहाँ पर पूर्व मध्य युग में वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ। बेटे, महाराष्ट्र धर्म भक्ति आंदोलन का ही एक रूप था, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच के काल में विकसित हुआ। ये भी भक्ति आंदोलन का ही एक रूप था। इस धर्म का मुख्य केंद्र पंढारपुर था और इसके मुख्य देवता विट्ठल या विठोबा माने जाते थे। ये धर्म वर्करी पंथ से जुड़ा हुआ था। इसके स्थापना का श्रेय संत ज्ञानेश्वर को दिया जाता है। बेटा, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञानेश्वरी इस पंथ का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा कुछ और संत भी इससे जुड़े हुए थे, जैसे नामदेव, तुकाराम, एकनाथ वगैरह, परंतु इसकी शुरुआत करने वाले संत ज्ञानेश्वर ही माने जाते हैं। इसकी उत्पत्ति की प्रेरणा मुख्य रूप से भागवत पुराण से और कुछ हद तक शैववाद पंथी योगियों से मिलती है। बेटा, इनके मुख्य देवता विट्ठल हैं, जो कि विष्णु का ही एक रूप माने जाते हैं। यह धर्म भी एकेश्वरवाद पर विश्वास करता है और यह धर्म एक उदारवादी और सरल धर्म का परिचायक है, जिसका मुख्य आधार भक्ति है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर भक्ति द्वारा ईश्वर के लिए की गई आराधना पर विशेष बल दिया गया, यानी कि आप पर्सनली कीजिए। इस धर्म का स्वरूप सरल था और यह कर्म कांडों पर आधारित नहीं था। इसके अलावा इसमें पुजारी वर्ग का भी कोई महत्व नहीं था। इसका धर्म के बाह्य स्वरूप के प्रति आलोचनात्मक रूप था, यानी कि जो बाह्य आप लोग दिखावे करते हैं, जो कर्म कांड करते हैं, उनकी आलोचना किया करते थे। इसने समाज के जातीय आधार को स्वीकार नहीं किया। इसके द्वारा सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिश की गई और धार्मिक अंधविश्वासों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इससे जुड़े हुए संतों ने मराठी भाषा को लोकप्रिय बनाया और इसे साहित्य का रूप प्रदान किया। संतों द्वारा रचित कृतियों ने महाराष्ट्र धर्म की उदारवादी अवधारणा को लोगों तक पहुंचाया। संत रामदास ने इसको एक नया आयाम प्रदान किया। इनके द्वारा लिखित पुस्तक दास बोध ने केवल धर्म संबंधित तत्व ही नहीं पाते, बल्कि समकालीन समाज और सुधार से संबंधित बातों को भी इसमें शामिल किया गया है। संत रामदास ने महाराष्ट्र धर्म को सक्रिय और जागरूक बनाया। इसने महाराष्ट्र क्षेत्र में एक बौद्धिक मंच तैयार किया और मराठाओं के बीच राजनीतिक जागरण आया। इससे मराठाओं के बीच बंधुत्व और भाईचारे की भावना बढ़ी, मराठा एकता को मजबूती मिली और साथ में मराठाओं के स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्तित्व को भी इसने स्थापित किया। उनका भी एक अलग से वजूद कायम हुआ। अन्य क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन कश्मीर में बेटा शैव भक्ति 14वीं शताब्दी में लाल डेढ़ जैसे प्रमुख संतों के हाथ ललद्यत जैसे प्रमुख संतों के हाथों फूली। गुजरात में वल्लभाचार्य और नरसिंह मेहता ने गुजरात में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। कर्नाटक में वीर शैव ने 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक आलोचना के साथ भक्ति का प्रचार किया। इसके बाद हम जानेंगे शक्तिवाद और शाक्त संप्रदाय के बारे में। तो भागवतवाद और वैष्णववाद के साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण और धार्मिक आंदोलन उभरा वो शक्तिवाद था। बेटा, भागवतवाद यानी कि विष्णु जय शैववाद और वैष्णववाद के बाद एक और उभरा वो था शक्तिवाद। इसमें मात्र देवी की पूजा का प्रारंभ का साक्ष्य तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही मिल जाता है। हालांकि लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे कि टेराकोटा की मूर्ति मिलती है, जो कि महिला की मूर्ति है, वो मात्र देवी के महत्व को दर्शाती है और शक्ति की उपासना का शाक्त संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन मानता है। शाक्त संप्रदाय का मानना है कि शक्ति की उपासना वैदिक काल जितनी ही प्राचीन है, वैदिक काल से ही चली आ रही है। इसे मूल तत्व यानी कि प्रकृति के साथ आत्मा के सम्मिलन का प्रतीक बताकर इसके लिए एक दार्शनिक प्रामाणिकता प्रस्तुत की गई थी, जिसे आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। यहाँ पर नारी की पूजा का भी प्रसंग मिलता है। बेटा, वेद इस बात का प्रमाण देते हैं कि अनुष्ठान मुख्य रूप से विभिन्न देवताओं के सम्मान में किए जाते थे, लेकिन कुछ भजनों में देवी देवताओं के नाम का भी उल्लेख किया जाता था। ऋग्वेद के भजनों में महिला देवताओं को कभी कभी सामूहिक रूप से देवताओं की पत्नी के रूप में कहा जाता था। बेटा, देवताओं की पत्नियां, हालांकि दो देवियां थी उषा और वाग, जिनका के हर भजन में आमतौर पर वर्णन मिला करता था। शुरुआती वैदिक साहित्य में दुर्गा, काली, अंचिका, उमा, ये सारे के सारे नाम पढ़ने के लिए मिलते हैं। बेटा, और बाद में ये शक्ति पंथ के केंद्रीय देवता बन गए
और इनका व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से भी उल्लेख किया गया है। हालांकि तैत्तिरीय आरण्यक में दुर्गा गायत्री का नाम प्रदान किया गया था। इस आदि शक्ति या देवी की पूजा का स्पष्ट उल्लेख महाभारत में मिलता है। बेटे अर्जुन ने कृष्ण के परामर्श पर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की स्तुति की थी, जिनको काली, कुमारी, कपाली, महाकाली, उमा, चंडी, कात्यायनी, कौशिकी वगैरह नामों से स्मरण किया जाता था। महाभारत में देवी विषयक अनेक स्तुतियां भी मिलती हैं बेटा, और पुराणों में देवी को शक्ति, शांति, कांति, दया, तुष्टि, बुद्धि एवं माता के रूप में अवस्थित किया गया है। सातवीं शताब्दी के दौरान दुर्गा की पूजा बहुत खास हो गई बेटा। देवी महात्मा में दुर्गा के नौ रूपों या नौ मृतकाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें लक्ष्मी, सरस्वती, नारायणी, कात्यायनी, दुर्गा, भद्रकाली और अंबिका, योगमाया, रक्तदंतिका, शताक्षी, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी का जिक्र हमें मिलता है। बंगाल शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र बन गया, आज भी है बेटा, लेकिन उड़ीसा के शिलेला के साक्ष्य विराजा और संत स्तंभेश्वरी के बारे में बताते हैं। उड़ीसा में जो शिलालेख हैं उनके जो साक्ष्य हैं वो विराजा देवी और स्तंभेश्वरी के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर देवियाँ हुआ करती थी। देवियों में भी श्री और लक्ष्मी भी महत्वपूर्ण देवियाँ हुआ करती थी। जिस प्रकार उमा या पार्वती का संबंध शिव के साथ था, उसी तरीके से श्री या लक्ष्मी का जो संबंध है वो विष्णु के साथ जोड़ा जाता था। पूजा के लिए लक्ष्मी की प्रतिमाएं ईसवी सन से पहले ही बनाई जाने लग गई थी। भरतरत्न के भग्नावेशों में भी श्री और लक्ष्मी की चार प्रतिमाएं मिली हैं। भरत के भग्नावेशों में भरत में खंडहर जो मिले हैं वहां पर श्री और लक्ष्मी की प्रतिमाएं मिली हैं, जिनमें एक बैठी हुई स्थिति में है और तीन खड़ी हुई मुद्रा में है। उत्तर पश्चिमी भारत के बहुत से क्षेत्रों में ऐसी बहुत सी मुद्राएं मिली हैं जिन पर लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित है। बेटे शाक्त संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसे वैदिक नाम अंबा, दुर्गा, गौरी, पार्वती वगैरह भी दिए गए हैं। बेटा पुराणों के अनुसार शक्ति की उपासना मुख्यतः काली और दुर्गा की उपासना तक ही सीमित है, जिसमें कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। शुंभ और निशुंभ को मारने वाली देवी का नाम दिया जाता है। इन्हें चामुंडा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें चंड और मुंड दानवों का वध किया था। मार्कंडेय पुराण के हिसाब से देवी ने महिषासुर का वध किया था। वो शिव, विष्णु और ब्रह्मा के तेज से मिलकर बनी थी और सभी देवताओं ने उनके अंग प्रत्यंगों के निर्माण के लिए अपना अपना अंश दिया था। सातवीं शताब्दी में बंगाल में मनसा, शीतला, चंडी समेत बहुत सी स्थानीय देवियां भी हो गई और माँ काली की आराधना में संयोजित कर ली गई थी। बाद में दुर्गा काली को आदिशक्ति कहा गया। उनको समय की माता भी कहा जाता है, काल माता कहा जाता है। संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक होने के कारण इन्हें महाकाली भी कहा जाता है। तो सारांश यही है बेटा कि शैववाद और वैष्णववाद मुख्यतः धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के रूप में सामने आते हैं, जिसका मध्य युग के बाद से भारत में बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। मध्य युग में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दौरान सारे के सारे शुरू हुए बेटा भक्तिवाद, वहीं से सारे के सारे वाद धीरे धीरे विकसित हुए। इसकी विशेषता व्यावहारिक जीवन और गहन दार्शनिक चिंतन के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को बढ़ावा देना। तो ये परंपराएं भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में आज भी व्याप्त है, जिनमें की विविध धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं वाली संप्रदाय शामिल है, जिनमें से प्रत्येक में ईश्वर, आत्मा और विश्व के बारे में अपनी अपनी धारणाएं हैं। बेटा इन परंपराओं की उत्पत्ति को विस्तार में जाने पर हम देखते हैं कि शैव और वैष्णव दोनों की जड़ें प्राचीन काल में हमें मिल जाती हैं। बेटा शैव धर्म सबसे पुरानी जीवित परंपरा मानी जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वैदिक देवता रुद्र विकसित होकर के सर्वोच्च सत्ता में परिणित हुए, जिन्हें शिव के नाम से जाना जाता है। तो शैववाद समय के साथ विकसित हुआ है, जिसमें ईश्वर, आत्मा और विश्व से संबंधित अनुष्ठान, प्रथाओं और दार्शनिक अवधारणाओं को शामिल किया गया। क्योंकि शैववाद जो है समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुआ है, इसमें ईश्वर को शामिल किया गया, फिर आत्मा को भी शामिल किया गया, फिर विश्व के अनुष्ठानों को शामिल किया गया। शैववाद के प्रमुख संप्रदायों में पाशुपत, कापाली, कालामुख, लिंगायत, कश्मीरी शैववाद, वीर शैववाद, शैव संप्रदाय वगैरह माने जाते हैं। बेटा हमने पढ़े थे अभी डिटेल में। इसी तरीके से वैष्णववाद जो धार्मिक परंपरा है उसकी उत्पत्ति भी बहुत प्राचीन है। उसमें विष्णु को सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में माना जाता है। विष्णु पांच रूपों में प्रकट होते हैं, जिनमें माध्यम से भक्तों को दिव्य रहस्योद्घाटन का अनुभव होता है। वैष्णववाद में भक्ति प्रथाओं द्वारा चिन्हित विभिन्न भक्ति संप्रदायें हैं, जिनमें मानव रूपी तत्वों और भावनात्मक उत्साह को शामिल किया गया है। भक्ति का दर्शन एवं वैष्णव संप्रदायों में अच्छी तरह से विकसित है, जिसमें रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निबार्क और चैतन्य जैसे उल्लेखनीय संत हैं। बेटा साथ में ज्ञानेश्वर हैं, इस तरह से बहुत सारे संत हैं जिन्होंने इस भक्ति आंदोलन को विस्तार में बने रहने में, इसको बनाए रखने में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है। तो यहाँ आपका बेटा ये पाठ खत्म हो जाता है, जिसका नाम था कि भारतीय उपमहाद्वीप में शैव, शाक्त और वैष्णवों के प्रति
दृष्टिकोण, या आपका पूरा का पूरा पाठ बेटा यहाँ पर खत्म हो जाता है। और किसी को कहीं कोई डाउट है तो बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी को भी कुछ पूछना है तो हाँ बेटा, और कुछ भी डाउट है बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग, और कोई और सजेशन तो आप लोग दे सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेटा कर लीजिए, और आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।